Hi, this is Dheeraj and I welcome you in the tutorial of study.com. Today we are going to learn about translation important for spoken. Okay, आज हम जो है वैसे translation सीखेंगे जो spoken के लिए important हो, ठीक है? और आज हम जानने वाले हैं type 1 के बारे में. तो let us start. सबसे पहले जानते हैं कि आज जो ट्रांसलेशन होगा उसका एक्टिव स्टाइल क्या होगा. एक्टिव स्टाइल का मतलब क्या, उसके अंत में क्या रहेगा, है ना, उसका बनावट किस तरीके का रहेगा. तो उसके अंत में रहेगा सा लगता है या फिर सी लगती है, ठीक है? तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर होगा उस ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट प्लस लुक स्लैश लुक्स प्लस नाउन. ओके, अब इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे होगा ट्रांसलेशन में, आइए सीखते हैं. जैसे हमारे पास एक ट्रांसलेशन है, वह बंदर सा लगता है. वह का वह सब्जेक्ट है तो हो जाएगा ही, और ही के साथ लगेगा लुक्स. ही लुक्स लाइक अ मंकी. नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखते हैं, वह बिल्ली सी लगती है. वह का हो गया सी, लगती है तो सी हो गया ना, सी, और सी के साथ क्या लगेगा लुक्स. सी लुक्स लाइक अ कैट. ओके, सी लुक्स लाइक अ कैट. अगला ट्रांसलेशन है, तुम गधे से लगते हो. कभी कभी बोल चाल में हो नहीं जाता है, तुम गधे से लगते हो, तो फिर इसको बनाएंगे यू. यू के साथ हो जाएगा लुक. यू लुक लाइक एन आस. ओके, और अगर कहीं वो आस जो था, वो कैट जो थी, वो तो नाउन था, लेकिन यहाँ पे वो आ गया वह घबराया सा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे घबराना तो कोई किसी नाउन का नाम नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे लाइक को हटा देते हैं. ओके, तो ये बनेगा ही लुक्स पजल्ड. पजल्ड ओके मीन्स नाउन नहीं आएगा तो फिर उसमें से लाइक हटा देंगे, ठीक है? ही लुक्स पजल्ड. इसी तरीके से वह मुरझाया सा लगता है. मुरझाना कोई नाउन नहीं है ना, वर्ब है, तो इसलिए बना देंगे ही लुक्स लुक्स फेडेड. ओके, इसमें से लाइक हटा देंगे. क्लियर है? तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.